अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, के सोटी को दोस्तों ये एक PXR नेटवर्क है, ठीक है जी। इसके आप फॉलोवर देख ले यहाँ पे 156 के, ठीक है। टाइम तो इसका निकला हुआ है, मतलब ये आप देख ले ऊपर जॉइन जून 2023 में इसने ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन फिर भी अभी तक इसके 156 के फॉलोअर हुए हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, फ्री माइनिंग एप्लीकेशन है, ठीक है। तो बाकी इसके नीचे आप पोस्ट इसके देख ले, बहुत सारे पोस्ट है। अभी मैं आपको बता तो नहीं सकता हूँ, आप यहाँ पे खुद आ जाए ट्विटर पे, वहाँ पे PXR आप दे दें, नेटवर्क आपको आ जाएगा, उस पर आप देख ले। ये नीचे आपके इसका भी ये आप यहाँ पे देख ले इसके, ठीक है। ये उसका मतलब जो वॉलेट है वो आया हुआ है, ये PXR बेस करप्टो वॉलेट, ठीक है। ये वॉलेट भी उसका आया हुआ है, ठीक है। ये 4 डे अगो इसका पोस्ट आया भी है। हमने उस पर वीडियो भी बनाई है, मतलब ज्वाइन किया हुआ है तो अपलोड नहीं किया है, बाकी लोगों ने भी उसको बनाई है वीडियो, तो उसको भी मैं अपलोड करूँगा। तो अभी मैंने सिर्फ ये PXR नेटवर्क जो है इस पर मैंने बात करनी है कि इसको आपने किस तरह ज्वाइन करना है, लेकिन आप लोग सब इसको ज्वाइन कर ले, ठीक है। कोई भी इसको मिस ना करे, अभी भी इसमें टाइम है, तकरीबन 1-2 मंथ का टाइम है, शायद अप्रैल मई जून जून से पहले अप्रैल मई में ये लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। या इससे अगर 1-2 मंथ लगे, लेकिन 2024 में ये लॉन्च होना है, ठीक है। तो इस पर हमने माइनिंग करनी है, तो उसका जो वीडियो है वो मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है, कि आपने इसको किस तरह ज्वाइन करना है, सही है। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिलेगा, तो उस पर क्लिक करना है, अपने प्ले स्टोर पर जाना है। बाकी मैं इसका जो तरीका है वो आपको मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। तो ये उसका रोड मैप है, इस पर मैं वीडियो के लास्ट पे आपको बताऊँगा, आप यहाँ से देख ले सिर्फ, ठीक है। तो अपने नीचे जो लिंक है उस पर क्लिक करना है, बाकी आगे आप देख ले किस तरह उसको ज्वाइन करना है, सही है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो प्ले स्टोर पर आप चले जाओगे, मैंने इंस्टॉल किया, आप इंस्टॉल करें, ओपन करें, यहाँ से साइन इन विद गूगल करें, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है, सही है। यहाँ से अपने ईमेल को सेलेक्ट करें, जिस ईमेल पे आपने बनाए, मेरे ये 4 ईमेल है जिस पे आपने बनाए, उस पर क्लिक करें। तो उस पर क्लिक करने के बाद ये डायरेक्ट आपसे रेफरल का पूछेगा, ये जो मेरा रेफरल नंबर है ऊपर जो लिखा गया है, ठीक है, ये आपने देना है, और फिर ये सबमिट जो है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पर चले जाओगे, सही है। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट माइनिंग पे क्लिक करना है, ठीक है, ये स्टार्ट माइनिंग जो है, सही है। आप इस तरह पेज पे आ जाओगे, ठीक है। तो ये देखिए आपको तो सबसे पहले ये 10 बैलेंस जो है ये बैलेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी मिल जाएगा उसके बाद। अच्छा, तो बाकी आपने इस पे ऐसा करना है कि ये जो ये जो है, ठीक है, अर्न डेली PXR रिवार्ड, इस पे आपने डेली क्लिक करना है, तो आपको एक जो है उसका मतलब पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये इनवाइट फ्रेंड जो है, इस पे आप अपने दोस्तों को इनवाइट करें, उससे आपका जो है स्पीड भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और जो है आपको उस पे पॉइंट भी मिल जाएगी, ठीक है, और उसको भी मिल जाएगी 10 पॉइंट जो ये देखे जो ऊपर मुझे मिले ये वाले, ठीक है। तो उसके बाद है ये वाला, ठीक है। तो इस पे आपने क्लिक करना है, ये हर 8 घंटे के बाद आपने इस पे क्लिक करना है, तो इसका आपको 1 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद है ये नीचे वाला, हर घंटे के बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा इसका भी, ठीक है। तो ये है, और उसके बाद आप ऊपर आ जाए KYC पर, ये जो KYC का यहाँ पे ये 3 जो लाइन है इस पर आपने क्लिक करना है, सही है। इस पर क्लिक करें तो ये देखे ऊपर सबसे पहले KYC अकाउंट KYC, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक करना है, सही है। तो इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप ये देखें अभी ये नॉट वेरीफाइड, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ अपने जो मेरा मेन मतलब अकाउंट है उस पर मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ उधर पे, सही है। तो ये तो मैंने वैसे आपके लिए दूसरे अकाउंट पे बनाए, तो उस पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इस पर जो KYC भी की हुई है, और उसका मैं इसका आपको तरीका भी बताता हूँ, सही है।
अभी मैं अपना दूसरा अकाउंट इस पे लॉगिन कर रहा हूँ, तो इस पे थोड़ा सा ये लोड अभी ले रहा है, ठीक है। तो आपको भी ये ऐसा मसला आएगा, लेकिन आपने इस पे बार बार साइन इन पे क्लिक करना है, उसे अपना ईमेल उधर से सेलेक्ट करना है, ठीक है। दो तीन दफ़ा अगर आप कर ले इस पे, अगर आप दो तीन दफ़ा इस पे कर ले, ठीक है, तो आप लॉगिन हो जाओगे, सही। अच्छा, तो ये लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये मेरा मिनी अकाउंट है, मेरा बैलेंस देखिए यहाँ पे, और अभी जो मैंने माइनिंग स्टार्ट किया 24 घंटे वाला, वो देख ले आप यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी तो इसका मैंने आपको बताया उधर, ठीक है। तो आपने इस पे आना है, अपने ये 3 डॉट जो है इस पे जाना है, यहाँ पे ये KYC इस पे जाना है, ठीक है। KYC पे क्लिक करें तो ये देखा नीचे, यहाँ पे मेरा क्या है, योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड, ठीक है। इसका क्या है कि आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये ऊपर यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करें तो यहाँ से आपने अपना जो मतलब कोई आप पिक्चर निकाले, अपने जो CNIC है उसका पिक्चर निकाले, सिर्फ फ्रंट का, ठीक है, बैक का नहीं, सिर्फ फ्रंट का निकाले, साफ उसको करें, साफ निकाले, तो यहाँ पे उसको मतलब अपलोड करें। आप यहाँ पे फ़ोटो से उसको अपलोड करें डायरेक्ट इस तरह, मतलब जो है मेरा ये इस पर मैंने क्लिक किया, इस तरह आपका आ जाएगा। तो आपने इसको सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है, सबमिट पे आप क्लिक करें, सही है। लेकिन सबमिट पे जब आप क्लिक करें तो इस पर तकरीबन 2-3 दिन लग जाएंगे। आप अगर यहाँ पे वापस आ जाए इस तरह अपने के, इसको अगर आप यहाँ पे चेक करें तो नीचे आपका स्टेटस जो है वो आपको यहाँ पे आएगा कि नॉट वेरीफाई, जैसा वो जो पहले मेरा जो दूसरे अकाउंट में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 2-3 दिन निकले इसमें, या 4-5 दिन, 1 वीक निकले, तो 1 वीक के बाद आप इससे लॉग आउट हो जाए, मतलब इसको अनइंस्टॉल करें एप्लीकेशन को, या लॉग आउट हो जाए, दोबारा आप इसको इंस्टॉल करें तो उसमें दोबारा आप अपने उसी ईमेल के साथ मतलब लॉग इन हो जाए, जैसा मैंने अभी इसको किया है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अगर आप आ जाए तो यहाँ पे योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड ये आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस पे थोड़ा सा पता नहीं ये एरर है क्या है, कोई मसला है, तो यहाँ पे वही सेम चीज़ आपको नज़र आता है कि आपका मतलब नहीं है, यहाँ पे वेरीफाइड नहीं है, सही है। तो ये हुआ, और वाइट पेपर है इसका, रोड मैप है, ठीक है। तो रोड मैप पे आप चले तो यहाँ पे आपको शायद फिर से एड कोई आएगा। अच्छा, ये उसका रोड मैप है जो मैंने आपको पहले उधर बताया है, ठीक है, वीडियो में, ठीक है, ये उसका रोड मैप है। तो यहाँ से आप बैक जाए तो बैक करें, बाकी तो ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। इस पे आपने क्लिक करना है, ये डेली का जो इस पे मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ आपके सामने एड आएगा, उसको आप ख़त्म कर लें यहाँ से एड को, सही है। तो अभी नीचे देखे आप कि मुझे मिलता है या नहीं मिलता है, इस पे एरर होता है ज़्यादा, तो मैंने इसको कट किया था, शायद मुझे मिला होगा या नहीं, लेकिन आपने इस पर क्लिक करना है, इस तरह आपको पॉइंट मिल जाएंगे। अगर बार इस पर क्लिक करना है, बार बार इस पर क्लिक करना है, तो आपके हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह ऐसे ये 1 घंटे वाला जो है इस पर भी इसी तरह आपको एरर आएगा, ठीक है, और इस पर भी एरर आएगा, सही है। तो बाकी आपने इनवाइट फ्रेंड पे क्लिक करना है, इनवाइट फ्रेंड पे फिर से एड आएगा। यार ये क्या मसला है इसका, हर चीज़ पे एड एड एड, इस एड से तो हमारा जान नहीं छूटेगा कभी भी। इसको ख़त्म कर ले, या से आप किसी को भेज दे, कॉपी करे, कुछ करे, ठीक है। तो अच्छा, तो ये उसका रोड मैप है, ठीक है। यहाँ पे अब 2023 देखे ऊपर, नीचे 2024 है, फिर 2023-2024, ठीक है। इसमें उसने जो बताया हुआ है 2023 में क्योटो जून, क्योटो अगस्त जो स्टार्ट KYC, इसकी जो KYC बिल्कुल अगस्त पे आई है, ठीक है, सही। और लॉन्चिंग एंड्रॉयड मिनर ऐप, ये भी बिल्कुल जून में आया हुआ है, जो ऊपर लिखा है, ठीक है, उसी के मुताबिक आया हुआ है सब कुछ। और नीचे 2024 में जो सबसे बड़ी बात है, इसका PXR बैंक प्लेटफार्म लॉन्च, इसका कोई बैंक आएगा, मतलब बहुत ही अच्छा है। और 2023-24 में Q4 अक्टूबर लंच आईफोन एप्पल का, ये छोड़े, ये Q1 जो है जून, ठीक है,
सॉरी जनवरी, जून नहीं जनवरी, ठीक है। लंच ऑफ PXR वॉलेट जो बिल्कुल ये जनवरी में आई हुई है, ठीक है, बिल्कुल फिक्स डेट पे मंथ में आई है, ठीक है। और Q2 अप्रैल पे जो है ट्रेडिंग लंच, इसका जो ट्रेडिंग होगा वो लंच हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ इसकी वॉलेट आई है, बाकी जो है इसमें मतलब वॉलेट का यह PXR नेटवर्क में कोई कनेक्शन नहीं है कि आप उसको वहाँ उसके साथ कनेक्ट करें। उसका सिर्फ एप्लीकेशन आया हो जिस पे आप उसका कोई वॉलेट उस पे क्रिएट कर सकते हो। तो उसने मतलब उधर ट्वीट किया हुआ है कि आप इस पे देख ले, फिर आपको हम खुद यहाँ पे बताएंगे कि मतलब आपने किस तरह उस पे ट्रांसफ़र करना है आपके जो PXR को आए नहीं, सही है। तो उस पे मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर वो भी मैं अपलोड करूंगा, सही है।